एमएस मीडिया टीवी, सच सबसे आगे। औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नाम है एडवोकेट लाला साहिब शेख है, जो आपके सामने हमेशा आते रहते हैं। आज हमको जो उन्वान दिया गया वो डेमोक्रेटिक यानी संवैधानिक भारत में संगठनाओं का महत्व। संविधान एक देश का आईन है दोस्तों, और उसके तहत सब चलेगा, सबको सम्मान मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा, इज्जत मिलेगी। तुम हमें बेइज्जत कर रहे हो। संगठन के बिना समाज लचीला समाज होता है, गांडूल होता है। पुलिस वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं गांडूल बोल रहा हूं, लौचिक, जिसका कना नहीं होता, बोनलेस सोसाइटी होता है। हमें बरसों से कह रहे हैं आपको कि मजहब अपनी जगह है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप अपनी जगह है। कोई समाज एक आदेश पर लाखों की संख्या में बाहर आता है, हमारा समाज अगर तमाशबिन बनता है तो बात हुजूर तक आती है। मेरा आका सर्वोत्तम है, सबसे आगे है, कोई चैलेंज ना, ये गलत हो रहा है। तुम्हारे अंतिम प्रेषित को चैलेंज किया जा रहा है, जिसका कोई मजहब ही नहीं है। यदि ना नरसिम्हानंद का स्टेटमेंट, ये तुम्हारे लिए आह्वान है कि तुम्हारे वजूद की निशानियां मिटती जा रही है। औरंगाबाद का छत्रपति संभाजीनगर, उस्मानाबाद का धाराशिव, ये तुम्हारी वजूद की निशानियां मिटाई गई। तुम्हारे पास कोई संगठन नहीं है। संगठन के बिना समाज कोई वजूद नहीं रखता। तुमको संगठन क्या है इससे बेसिक शुरू करनी पड़ेगी। लोग 100 साल तक आगे चले गए, हम अब संगठन सीख रहे हैं। हम जद्दोजहद की बात कर रहे हैं, हम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, हम एकता की बात कर रहे हैं। लोग 100 साल तक आगे चले गए। फिलिस्तीन पर हमले होते, संगठन है। अमेरिका बोलता है शाश और बम डाल, संगठन है। वाशिंगटन डीसी में बैठकर बोलता है कि मेरे आका की तीसरी मस्जिद के आसपास खून खराबा करो, संगठन है। हमारे पास प्रोटेस्ट के अलावा कुछ नहीं, अफसोस है। हमें संगठित होना पड़ेगा, संगठन ही जिम्मेदारी है तुम्हारी। तुम्हारे खान पान घरदार के अलावा भी एक जिंदगी होती है। औरों की तरफ देखो कैसे ये होता है, तुम्हारे मस्जिद तक हमले होते। याद है तुमको, वो संगठित है, तुम नहीं है। तुम नुक्ताचीनी करते हो, उसकी गलतियां ढूंढते हो, अपने वालों पर नुक्ताचीनी करोगे और ज्यादा मार खाओगे। अपने आप को माफ करो, अपनों को माफ करो, संगठित हो जाओ। संगठन के बिना कुछ नहीं है। सांसे याद है, सांसे यानी सांस, संगठन सांस से भी ऊपर है। कुत्तों की मौत मारा जा रहा है, लेजेंड इज द मर्डर ऑफ द डॉग। कुत्ता और इंसान में कोई फर्क नहीं, वो इंसान मुसलमान कर दिया तुमने। 200 लोग मारते हैं, 800 साल जात ये राज करती जात थी, इसलिए तुमको मारते हैं। याद रखिए, तंजीम इज द सेकंड ओपिनियन ऑफ योर सोसाइटी। संगठित होइए, संगठन बनाइए, कुछ भी कीजिए, संगठना कीजिए, आपस में एक रहिए, इसी को इत्तेहाद कहते हैं। मैं धरना प्रदर्शन की बधाई देता हूं, पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं। गुड बाय। एमएस मीडिया टीवी, सच सबसे आगे।